गति भाग छे, एक समान वृत्तीय गति। पिछले वीडियो में हमने ग्राफीय विधि से गति के समीकरणों के बारे में जाना। इस वीडियो में हम एक समान वृत्तीय गति यानी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में जानेंगे। हम पहले पढ़ चुके हैं कि एक वस्तु तभी त्वरित गति में होती है जब इसके वेग में परिवर्तन होता है। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन के लिए दो कारण हो सकते हैं। पहला ये कि वस्तु के वेग के परिमाण में परिवर्तन हो और दूसरा वस्तु के वेग की दिशा में परिवर्तन हो। क्या तुम कोई उदाहरण बता सकते हो जिसमें सिर्फ वस्तु की गति की दिशा में परिवर्तन हो रहा हो लेकिन इसके वेग के परिमाण में नहीं? अब इसे और बेहतर समझने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। क्या तुमने कभी किसी बंद पथ पर दौड़ लगाई है, जैसे कि खेल के मैदान के चारों ओर? उदाहरण के लिए हम किसी बंद पथ पर किसी धावक की गति को देखते हैं। इस आयताकार क्षेत्र ए बी सी डी की आकृति को देखो। माना कि धावक इस आयताकार पथ के सीधे रास्तों ए बी बी सी सी डी और डी ए पर एक समान चाल से दौड़ रही है। धावक पथ पर बने रहने के लिए कोनों पर अपनी गति की दिशा को बदलती है। धावक को मैदान का एक चक्कर लगाने के लिए कितने बार अपनी गति की दिशा को परिवर्तित करना होगा? धावक को एक आयताकार पथ में चार बार अपनी गति की दिशा को परिवर्तित करना होगा। अब धावक षटकोणीय पथ ए बी सी डी ई एफ पर दौड़ रही है। तुम्हें क्या लगता है धावक को कितनी बार अपनी गति की दिशा को परिवर्तित करना होगा? एक षटकोणीय पथ पर धावक को 6 बार अपनी गति की दिशा को परिवर्तित करना होगा। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि पथ की भुजाओं की संख्या बढ़ने के साथ ही धावक को अधिक बार मुड़ना पड़ता है। यदि हम पथ की भुजाओं की संख्या अनिश्चित रूप से बढ़ा दें, तो तुम्हें क्या लगता है पथ की आकृति कैसी होगी? पथ की भुजाओं की संख्या अनिश्चित रूप से बढ़ाने पर पथ की आकृति एक वृत्त की तरह होगी और हर भुजा की लंबाई घटकर एक बिंदु के समान हो जाएगी। अब यदि धावक किसी निश्चित परिमाण के वेग से किसी वृत्तीय पथ पर गतिमान है, तो उसके वेग में परिवर्तन सिर्फ उसकी गति की दिशा में परिवर्तन के कारण होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि किसी वृत्तीय पथ पर धावक की गति एक त्वरित गति का उदाहरण है। अब किसी वृत्तीय पथ पर धावक की चाल ज्ञात करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, किसी आर त्रिज्या वाले वृत्ताकार पथ की परिधि को परिधि बराबर 2 पाई आर सूत्र से ज्ञात किया जा सकता है। यदि धावक को R त्रिज्या वाले वृत्ताकार पथ का एक पूरा चक्कर लगाने में T समय लगता है, तो धावक की चाल को V से व्यक्त किया जाता है और इसे V बराबर 2 पाई R बटा T से ज्ञात किया जाता है। इस प्रकार अगर कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर एक समान चाल से चलती है, तो इसे एक समान वृत्तीय गति कहा जाता है। एक समान वृत्तीय गति को और बेहतर समझने के लिए हम एक आसान सा क्रियाकलाप करते हैं।
एक धागे का टुकड़ा लो और इसके एक किनारे पर एक छोटा सा पत्थर बांधो। अब धागे का दूसरा कोना पकड़ो और एक निश्चित चाल से सावधानी से पत्थर को वृत्ताकार पथ पर घुमाओ। अब धागे को छोड़ दो, लेकिन ध्यान देना कि तुम्हें या किसी और को चोट ना लगे। क्या पत्थर को छोड़ने के बाद तुम इसकी दिशा ज्ञात कर सकते हो? इस क्रिया को बार बार दोहराओ और वृत्तीय पथ के अलग अलग जगहों से पत्थर को छोड़ो और पत्थर को छोड़ने के बाद इसकी दिशा पर ध्यान दो। क्या सभी अवस्थाओं में पत्थर की दिशा समान रहती है या नहीं? ठीक से ध्यान देने पर हम देख सकते हैं कि पत्थर वृत्ताकार पथ की स्पर्श रेखीय सीधी रेखा के साथ गति करता है। पत्थर में ये स्पर्श रेखीय गति इसलिए होती है क्योंकि जब पत्थर को छोड़ा जाता है तो वो उसी दिशा में गति जारी रखता है जिस दिशा में उस क्षण वो गति कर रहा हो। ये दर्शाता है कि जब कोई पत्थर वृत्तीय पथ पर गति कर रहा हो तो हर बिंदु पर इसकी दिशा में परिवर्तन होता है। इस वीडियो में हमने एक समान वृत्तीय गति यानी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में जाना।